सभी को मेरा नमस्ते। मैं दिव्या काकरान आज मैं बहुत ही दुख मन से कह रही हूँ कि हमेशा मेरे साथ भेदभाव हुआ है, हर एक चीज में, कुश्ती में, नौकरी में, हर एक चीज में। और आज इतना बड़ा भेदभाव हुआ है मेरे साथ कि मेरा अर्जुन अवार्ड के लिए नाम नहीं आया, जो कि 100% था। अर्जुन अवार्ड के लिए जो भी मेडल देने पड़ते हैं मैंने वो मेडल दिए, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशिया चैंपियनशिप, हर एक चीज में मैंने मेडल दिए, पर लेकिन तब भी मेरे साथ आज इतना बड़ा भेदभाव हुआ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे और क्या करना पड़ेगा कि हमारे जैसे बच्चों के साथ भेदभाव ना हुए। मैं गरीब हूँ ये मेरी गलती है, या मैं निचले स्तर से आई हूँ ये मेरी गलती है, या मेरी बिरादरी छोटी है ये मेरी गलती है। मुझे मेरी गलती का पता चले जिससे आगे जो और बच्चे हैं उनके साथ ऐसा ना हो। जितने भी मेडल मेरे पापा ने कहा है कि इस कॉमनवेल्थ में मेडल लाना जरूरी है, क्योंकि मेरे सपना है, सबका सपना है कि अर्जुन अवार्ड लाना है और भी मेडल लाने हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एशिया चैंपियनशिप, सीनियर एशिया चैंपियनशिप में मेडल चाहिए होता है। अगर हमें अर्जुन अवार्ड चाहिए, मैं दो मेडल है मेरे, सिल्वर और ब्राउन, दोनों एशिया चैंपियनशिप में मेडल है। मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन करवाया है, जो ओलंपिक में हमारी टीम जा रही है। अब मैं क्या ऐसा करूं कि जो मुझे अर्जुन अवार्ड मिले। मैं हमेशा ये भेदभाव होता आ रहा है, अगर ये ऐसा ही होता रहा तो फिर हमारे जैसे बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।